नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूँ पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही खबरों के चलते आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे इस पर भी बात करेंगे और ग्लोबल मार्केट से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं ये भी हम समझेंगे। एक बार ग्लोबल मार्केट का अपडेट ले लें तो एशियाई बाजारों में आज कमजोर शुरुआत देखने को मिल रही है। एक्सजीएस निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ इस वक्त फिलहाल कारोबार कर रहा है 8,800 के करीब। तो क्यूज कमजोर है, इसको किस तरह से समझना चाहिए ये बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के लिए क्या होनी चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में अनिल सिंह जी भी जुड़ेंगे और खबरों के चलते आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे ये भी बताएंगे। दीपांशु हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं ये समझ लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त जो क्यूज मिल रहे हैं वो तो कमजोरी है, ग्लोबल बाजारों में गिरावट इस वक्त देखी जा सकती है, कैसे पढ़ना चाहिए ये जो क्यूज मिल रहे हैं उनको? बिल्कुल, लगभग सारे ही ग्लोबल बाज़ारों पर अगर आप नज़र डालें तो कमज़ोर ही क्यूज़ आ रहे हैं इस सुबह। एशिया के बाज़ारों में 1 से 1.5% की गिरावट है। एसजीएक्स भी इस समय 1% नीचे है। हालांकि निचले स्तरों से एसजीएक्स में लगभग 40 अंकों की रिकवरी अभी देखने को मिली है, पर थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा ट्रेड, पर हाँ कमज़ोरी आ रही है। एक्चुअली कल शाम अगर अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने कमज़ोरी देखी। डाउ, S&P, नैसडैक तीनों में ही गिरावट रही। हालांकि डाउ निचले स्तरों से 300 अंक रिकवर हुआ, फिर भी 450 अंकों की गिरावट के साथ ही बंद हुआ। कमज़ोर नतीजे आए हैं तीन बड़े बैंक से। सिटी है, हमने उससे पहले देखा था कि गोल्डमन सैक्स के भी कमज़ोर नतीजे हैं और बैंक ऑफ अमेरिका भी कमज़ोर नतीजे आए हैं। इन सभी बैंक्स की अगर आप देखें तो 45% गिरावट देखी है इन सभी बैंक्स ने मुनाफे में, क्योंकि ये लोन लॉस प्रोविजन जो हम भारतीय बैंक्स के लिए जो प्रोविजन कहते हैं बैड लोन्स के लिए वो बढ़ाए गए हैं इन्होंने। तो वहीं जो संकेत आ रहे हैं कि आगे जाके इनकी एक्सपेक्टेशन है कि इनके भी NPAs काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, तो उसके दम पर थोड़ा सेंटिमेंट गिरा है और कमज़ोर नतीजों के वजह से बाज़ार में गिरावट आई है। यही नहीं, जो मार्च महीने की रिटेल बिक्री थी अमेरिका में वो लगभग 9% गिरी है, यानी कि 28 साल में सबसे ख़राब। और यही नहीं, जो न्यूयॉर्क का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो -78 पर आया है, जो इतिहास का सबसे ख़राब है। मतलब आज तक इतना ख़राब कभी नहीं आया। जब रिसेशन हुआ था 1929 में तब भी इतना ख़राब नहीं था जितना अभी आया है। तो वहाँ से भी निवेशकों का सेंटिमेंट ख़राब हुआ है, इसलिए हम देख रहे हैं कि बाज़ार पर दबाव रहा। आज साप्ताहिक बेरोज़गारी के आंकड़े आएंगे। पिछले 3 हफ्तों से जो हम आंकड़े देख रहे हैं वो काफ़ी दर्दनाक हैं। 33 लाख, उसके बाद 67 लाख और पिछले हफ्ते लगभग 61 लाख। तो देखना पड़ेगा कि इस हफ्ते किस तरह के वो आंकड़े आते हैं, पर ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो इसके वजह से भी थोड़ा दबाव बाजारों में हमने देखा है। यूरोप के बाजार में भी दबाव देखने को मिला। कच्चा तेल वापस 18 साल के निचले स्तर पर है। WTI $20 के नीचे गया। ब्रेंट भी $27 के आसपास पहुंच गया। अभी सुबह थोड़ी सी रिकवरी हुई है पर अभी भी ब्रेंट $28 के आसपास ही है, तो वहां पर भी दबाव बना ही हुआ है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो लगभग पूरा ही सेंटिमेंट ग्लोबल बाजार का इस समय वीक है। ओके, तो कमजोर संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल बाजारों से, लेकिन दीप एक बार कोरोना पर भी अपडेट लेना चाहेंगे। इस वक्त जो स्थिति है वो कैसी है, कुछ सुधार हुआ है या और बिगड़ चुकी है? और बिगड़ चुकी है पूजा, बल्कि अगर आप देखें तो कल सबसे ख़राब दिन था आज तक का जब से ये कोरोना की लड़ाई शुरू हुई है, यानी कि 31 दिसंबर जब से चाइना ने ये डिस्क्लोज़ किया। अगर आप तब से कल तक देखें तो कल का दिन सबसे ख़राब था। 84,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, 8,000 लोगों की कल मौत हुई है। तो काफ़ी ख़राब दिन था जहाँ तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है। अब लगभग 21 लाख लोग इससे संक्रमित हैं, 21 लाख से थोड़ा कम है आंकड़ा इस समय, और 1,34,000 लोग की मौत हो चुकी है। तो वहाँ पर नंबर आप देख रहे हैं तो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के लिए भी कल सबसे ख़राब दिन था, इससे पहले परसों सबसे ख़राब दिन था, अब कल उससे भी ज़्यादा ख़राब था। 31,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और लगभग 2,600 लोगों की मौत हुई सिर्फ एक दिन में अमेरिका में। तो जो एक दिन का हमने डिप देखा था 2 दिन पहले, उसके बाद से अगर आप देखें तो काफी तेजी से नए मामले भी बढ़े हैं और मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अमेरिका में अब लगभग 6.5 लाख लोग प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या भी अब 28,000 के पार जा चुकी है। सिर्फ अगर आप न्यूयॉर्क स्टेट की बात करें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा मामले हैं, यानी कि बाकी किसी और देश से सबसे ज़्यादा मामले सिर्फ न्यूयॉर्क स्टेट में ही हैं। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितना चिंताजनक संकेत आ रहे हैं। UK की हम चिंता आपको बताई जा रहे हैं। अब UK में मामले लगभग 1 लाख के करीब पहुँच चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी अब 13,000 पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर भी एक दर्दनाक संकेत आ रहा है। और एक और चीज जो आपको यहां पर नोटिस करनी चाहिए, कल हमने बताया था कि स्पेन ने पार्शियली अपना लॉकडाउन लिफ्ट करा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को रेस्ट्रिक्शंस ईज कर दिए हैं, कुछ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस ईज कर दिए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये किया, कल स्पेन में लगभग 6,500 नए मामले सामने आए। तो
लॉकडाउन खुलने के एक दिन बाद ही काफ़ी ख़राब दिन रहा जहां तक स्पेन का सवाल है। भारत की बात करें तो वहां यहां पर भी हमने देखा कि कल लगभग 900 मामले सामने आए, अब 12,400 मामले भारत में हैं जिसमें से 10,500 एक्टिव मामले हैं और 422 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों में 27 लोगों की मौत हुई, तो भारत के लिए भी एक और ख़राब दिन रहा। ओके, तो ख़राब दिन है और स्पेन में तो लॉकडाउन हटते ही दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये इस सारी डिटेल्स के लिए, और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, जो भी अपडेट निकल कर आता है जी बिजनेस पर लगातार आपको इसका अपडेट मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स के लिए। तो चलिए, ये तो था ग्लोबल मार्केट का अपडेट, लेकिन अब नतीजों का सीजन भी शुरू हो चुका है और आज आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि विप्रो के भी नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद और आज टीसीएस के भी नंबर्स आने वाले हैं। सबसे पहले विप्रो के नतीजे समझ लेते हैं और कुशल हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे ये बताने के लिए, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों के आंकड़े किस तरीके से थे। अगर विदेशी निवेशकों की बात करें तो एफआईएस की तरफ से कल खरीदारी लौटी है। हम कुछ समय से देख रहे थे बिकवाली का आंकड़ा था, लेकिन अब फिर खरीदारी लौटी है कैश मार्केट में और 1360 करोड़ के आसपास की खरीदारी विदेशी निवेशकों की तरफ से देखने को मिली। और एफएनओ में भी, वायदा बाजार में भी खरीदारी का ही आंकड़ा था 1130 करोड़ का। और घरेलू निवेशकों की बात करें तो उनकी तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली थी करीब 1098 करोड़ की। तो वापस से एक खरीदारी यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दी है विदेशी निवेशकों की तरफ से, तो इन तमाम क्यूज को कैसे समझना चाहिए इस पर भी बात कर लेते हैं और आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का जहाँ हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार से जो इस वक्त संकेत मिल रहा है काफी कमजोरी के, उसे कैसे समझना चाहिए और एफआईएस के आंकड़े अब फिर से एक खरीदारी लौटी है, इससे कुछ पॉजिटिव संकेत मिल रहा है या आज भी रुझान नेगेटिव ही रहेगा? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, ग्लोबल मार्केट से संकेत तो खराब है, जिस तरह के आंकड़े कोरोना को लेकर आ रहे हैं अमेरिका के और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं बाकी देशों के हमारे भी, वो कोई मतलब कम्फर्ट देने वाले तो है नहीं, तो वो दिक्कत तो अभी भी बरकरार है। ठीक है, उसके अलावा अब आप देखिए ग्लोबल मार्केट तो अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी वाला सेशन ही रहा है, फिर आपका डाउ फ्यूचर भी कोई बहुत अच्छे संकेत तो दे नहीं रहा है। कल हमारी क्लोजिंग में हम 9,000 के नीचे ही बंद हुए हैं, तो मुझे लगता है आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा दबाव तो रहना चाहिए, लेकिन हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास भी हैं, वो है 8,600 से 8,750। तो मेरे ख्याल से एक्सपायरी के दिन अगर इस रेंज को हम होल्ड कर लेते हैं तो कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी रेंज को होल्ड करना भी अपने आप में ये बढ़िया बात है। उसके नीचे जाते हैं तो दिक्कत ज्यादा है, अदरवाइज 8,600-8,750 ये अच्छी सपोर्ट रेंज है और इस सपोर्ट रेंज के बीच में भारतीय बाजार अगर ट्रेड कर लेते हैं और सपोर्ट ले लेते हैं तो ठीक है। ऊपरी स्तरों पर 9,100 से लेकर 9,250 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग, चार दिनों से हम इस रेंज की को हिट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन सस्टेन होकर वहां पर बंद नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपर के लेवल पर वहां पर सप्लाई है, तो अगर किसी वजह से रिकवरी आती है और वहां पहुंचने की संभावना कम है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, नीचे 18,200 सपोर्ट जोन है, ऊपर वही 20,000 के आसपास सप्लाई वाली रेंज है, तो उसी पर आपको फोकस करना चाहिए। तो मेरा ये समझना है कमजोर शुरुआत होगी, कमजोर शुरुआत होने के बाद बहुत रिकवरी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत तेज गिरावट होगी वैसा भी नहीं है। एक कमजोर शुरुआत के बाद सीमित दायरे में बाजार नेगेटिव बायस के साथ आज ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ओके, तो सीमित दायरे में नेगेटिव बायस के साथ आज बाजार में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अनिल जी आज अब नतीजों का दौर भी शुरू हो चुका है, हमने देखा कल बाजार बंद होने के बाद विप्रो के नंबर्स भी आए, इसे कैसे देख रहे हैं आप? नतीजे तो अनुमान से कमजोरी दिख रहे थे। बिल्कुल, नतीजे कमजोर हैं, उम्मीद वैसे भी कमजोर नंबर्स की थी, लेकिन उसके बावजूद कमजोर है तो थोड़ा और गिर सकते हैं। बस बात यही कि विप्रो अब आप 250 रुपए पर 275 रुपए पर ट्रेड नहीं कर रहा है, ट्रेड 180-190 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो नीचे ट्रेड कर रहा है, बस बात उतनी है, तो थोड़ा कमजोर है। दूसरा ये कि गाइडेंस दिया नहीं तो ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है बाजार के लिए कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन आज थोड़ा दबाव तो यहाँ से भी बनेगा, तो मुझे लगता है कमजोर शुरुआत होने के बाद स्टेबल होना चाहिए, लेकिन पता नहीं बहुत ज्यादा कमजोरी होगी ये देखना होगा, लेकिन क्योंकि आशंका कमजोर रिजल्ट की थी, रिजल्ट अच्छे तो नहीं है ये बात कन्फर्म है और ये अंदाजा भी था, तो थोड़ी और कमजोरी हो सकती है। ओके, तो थोड़ी और कमजोरी हो सकती है विप्रो के नतीजे आने के बाद, तो अनिल जी आज सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए फिर आज के लिए? वही देखिए, एक चीज है ना पूजा, जो आपके सेक्टर है ना सबसे खराब वही है,
एनबीएफसी बैंक स्पेशली एनबीएफसी ये तो लेना ही नहीं है, मतलब ये खराब ही रहने वाली, ये कब ठीक होंगे पता नहीं। जब तक निफ्टी बहुत अच्छे बुल जोन में ना चला जाए ना, तब तक ये एनबीएफसी वगैरह में किसी एक दिन उछाल उछाल आए तो वो बेचने का ही मौका समझिए। तो पहली चीज है कि एनबीएफसी से दूर रहिए। दूसरी चीज ये है कि आज थोड़ा है ना ये कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, लीवर टाइप के, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो दो तो ये कमजोर मुझे दिख रहे हैं, बढ़ने में थोड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर थोड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि कच्चा तेल जिस तरह से और नीचे आया है थोड़ा इनके लिए ठीक है, और रुपी स्टेबल सा है 76 के आसपास, तो थोड़ा वहाँ बेनिफिट आपको मिल सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी ये सारी डिटेल्स और ये रणनीति हमारे साथ आज शेयर करने के लिए। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे नजर रखिए क्योंकि ब्रेंट क्रूड 18 साल के निचले स्तर पर आ चुका है, तो आप यहाँ पर नजर रखिए। और एनबीएफसीज और कंजम्पशन स्टॉक से दूर रहने की राय इस वक्त फिलहाल दी जा रही है, कंजम्पशन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने की उम्मीद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ देर पहले हम नतीजों की बात कर रहे थे, कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल बताइए, विप्रो के नतीजे अनुमान से कमजोर और क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं इसमें? गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट मुनाफा अगर आप देखें तो करीब 5.5% लुढ़कता हुआ नजर आया था। हम अनुमान करके चल रहे थे कि 2.5 से 3% का मुनाफा। चलिए संपर्क फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे कुशल से, लेकिन विप्रो के नंबर्स अनुमान से कमजोर है और जो वायरस चल रहा है, वायरस का जो संक्रमण चल रहा है इस वक्त, उसके चलते गाइडेंस भी इस बार कंपनी ने नहीं दी है। हम जो अनुमान कर रहे थे कमजोर नतीजों का ही कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा कमजोर नंबर्स आए हैं। आय में करीब 2% की बढ़त मामूली, डॉलर आय में 1% की गिरावट इस बार देखी गई है, और अगर मुनाफे की बात करें तो 5% की गिरावट इस बार कंपनी के नतीजों में दर्ज हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के चलते आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं इस पर बात कर लेते हैं, ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांशी बताइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा, आज सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो विप्रो के बाद टीसीएस के नतीजे आज जारी होने वाले हैं, इस पर कड़ी नजर रहेगी, और साथ ही ओवरऑल जो आईटी कंपनीज हैं इस पर भी नजर रहेगी क्योंकि जिस तरह से अब विप्रो ने गाइडेंस नहीं दी, अब टीसीएस पर देखना होगा किस तरह से अब गाइडेंस आती हुई दिखती है या फिर बिल्कुल गाइडेंस नहीं आती है। बजाज ऑटो पर नजर रहेगी जहां पे फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 10% तक की कटौती करने की योजना कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 21 अप्रैल तक कामकाज न शुरू होने के चलते कंपनी ने यह निर्णय लिया है। पर नजर रहेगी जहां पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ा दी है, 4.9% से बढ़कर अब 5.04% तक की हिस्सेदारी हुई है, और 9 अप्रैल को कंपनी ने करीब आप देखिए 11 लाख शेयर्स बीएल में खरीदे थे। टाटा स्टील पर नजर रहेगी, नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है जहां पे S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने जो उनकी रेटिंग है और आउटलुक है ये दोनों ही घटा दिए हैं, आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है, और अगर रेटिंग की बात करें तो BB- से अब B+ पर रेटिंग दिया है। सिर्फ टाटा स्टील ने उनकी यूके होल्डिंग्स और साथ ही उनकी जो सब्सिडरी है इन दोनों के आउटलुक और साथ ही रेटिंग्स उन्होंने घटा दिए हैं। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी पर नजर रहेगी जहां पे उनकी इटली की सब्सिडरी ने एडलर स्पा में करीब 99% की जो हिस्सेदारी है वो खरीद रही है, 3.5 मिलियन यूरो में ये हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। इंडिया सीमेंट्स पर भी रेटिंग है, केयर ने लॉन्ग टर्म और एनसीडीज की जो रेटिंग है वो ए से घटाकर A- कर दी है, शॉर्ट टर्म की रेटिंग A+ से घटाकर अब A2+ कर दी है। साथ ही रानी इंजीनियरिंग यहाँ पे भी आप नजर रखिए, रानी इंजन वाल पे जहाँ पे क्रिसल ने लॉन्ग टर्म की जो रेटिंग है वो BBB+ से घटाकर BBB कर दी है, और शॉर्ट टर्म की जो रेटिंग है वो भी उन्होंने घटा दी है। पिटलाइट इंडस्ट्रीज पर नजर आएगी आज, उनकी जो 2 इकाई है उसमें आंशिक तौर से कंपनी ने कामकाज यहाँ पे शुरू कर दिया है। और साथ ही फंड एक्शन पर नजर करें, तीनों इम्पोर्टेंट फंड एक्शन देखने मिल रहे थे। सबसे पहले इंडसइंड बैंक पर नजर करते हैं जहाँ पे हमने कल देखा गोल्डन सैक्स ने करीब 41 लाख शेयर्स खरीदे हैं 430 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही केयर रेटिंग में आप देखिए BAOBAB ग्लोबल फंड ने करीब 4.9 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं 412 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचे थे, और साथ ही FPA फंड्स ने यहाँ पे करीब 5 लाख शेयर्स 412 रुपए पर खरीदे थे। और आखिर में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जहाँ पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 10 लाख शेयर 1152 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदे।
ओके, तो ढेर सारे फंड एक्शन और ढेर सारी खबरें हैं जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब रुक करते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो हमें हमारे पास आई हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपने दोनों ही कॉल्स में बिकवाली करने की राय दी है। जो पहला कॉल है उनका वो है महिंद्रा में 353 के लेवल्स पर बिकवाली करिए, स्टॉप लॉस होगा 359 का, 340 के लक्ष्य के लिए आप कर सकते हैं महिंद्रा में बिकवाली। और अगला कॉल टाइटन में आ रहा है, यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय 930 के लक्ष्य के लिए। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से ITC में खरीदारी करने की राय आ रही है, कैश लेवल्स इन्होंने दिए हैं, स्टॉप लॉस होगा 180 का और 210-204 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं ITC में खरीदारी आज के लिए। चलिए तो ये तो थे कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए, अब मार्केट में एक और रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ संदीप वागले जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं एक मार्केट पे अपनी राय देने के लिए। संदीप जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज जो क्यूज मिल रहे हैं वो तो कमजोरी के ही हैं, आपका क्या व्यू बन रहा है और आज एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी भी किन लेवल्स पर देखने को मिल सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा, मुझे लगता है थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस सेटिल होगा, ऊपर में 9000 का एक रेजिस्टेंस बना रहेगा और ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 8750 8760 100-150 पॉइंट की डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और एक्सपायरी मुझे लगता है 8700 और 8750 के आसपास होनी चाहिए। वागली जी आप स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए? पूजा मेरे पास दो कॉल्स है, एक बाय है एक सेल है। पहला कॉल है पीडीलाइट इंडस्ट्री जिसको बाय करके सेल है, जिसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1450 1450 और इसका टारगेट 1550 का है। मुझे लगता है आज के दिन में ये आना चाहिए जब मार्केट में बाउंस बैक होगा उछाल होगा तब। और दूसरा है रिलायंस जिसमें कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, इसको थोड़ी हल्की सी बाउंस बैक पे बेचे, इसका मेरा स्टॉप लॉस होगा 1165 और मुझे लगता है ये 1125 तक नीचे में जाने को तैयार है, ये भी आज के लिए ही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वागले जी सुबह सुबह समय देने के लिए। तो दो कॉल हैं, पिडिलाइट में खरीदारी के लिए और रिलायंस में 1125 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं बिकवाली, इन दो स्टॉक्स में फिलहाल ये राय दी गई है। चलिए हमने तो समझ लिया इक्विटी मार्केट में पूरा व्यू और रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमने आपको बता दी, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है ये भी हम समझ लेते हैं और हमारे साथ अनुज गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं कमोडिटी पर मार्केट पर अपनी राय देने के लिए। अनुज जी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले बताइए आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, गोल्ड में क्या व्यू बन रहा है, लगातार हम देख रहे हैं सोने में तेजी बनी हुई है तो आज के लिए क्या व्यू बन रहा है, खरीदारी करके ही चले गोल्ड में? जी पूजा जी गुड मॉर्निंग, देखिए जिस तरीके से गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में नए हाइस बना रहा है, देखिए तो 8 साल के ऊपर पे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड चल रहा है, हमें लगता है कि गोल्ड में ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ही रहेगी। 46,000 के आसपास बाय करके चले, 45,400 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऊपर में 46,800 47,000 तक हो सकता है तो गोल्ड सिल्वर हमें लगता है कि आगे भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये तो राय हुई गोल्ड पे, खरीदारी करके चलिए, 45,400 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 46,700 का। और अनुज जी क्रूड ऑयल पर क्या व्यू बन रहा है आपका, इसमें भी लगातार हम देख रहे हैं एक गिरावट है और 18 साल के निचले स्तर पर आ चुका है, क्या व्यू बन रहा है और आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए क्रूड अगर देखें तो ओवरसोल्ड जोन में है, हमें लगता है कि बाउंस बैक यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए बाय करना चाहिए करीबन 1470 में, MCX में स्टॉप लॉस 1420 का रहेगा, टारगेट ऊपर में 1600 तक हो सकता है तो एक शॉर्ट कवरिंग इंट्राडे परस्पेक्टिव से यहाँ पर आ सकती है तो इंट्राडे के लिए बाय का ट्रेड बना सकते हैं। ओ बिल्कुल, और रुपए के लिए रणनीति आज के लिए? रुपी हमें लगता है कि यहाँ पर अप्रिशिएट हो सकता है, ये भी अब ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ दिखा है, हमें लगता है कि यहाँ से इन स्तरों पर एक रेजिस्टेंस है जहाँ से हमें लगता है कि रुपी में एक अप्रिशिएशन आ सकता है तो रुपी यहाँ पर हमें लगता है USDNR में बिकवाली कर सकते हैं 76.80 में, हमें लगता है कि नीचे 76.20 तक लेवल आ सकता है तो रुपी अप्रिशिएट हो सकता है। ऑल राइट, ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है सोने में, कच्चे तेल में और रुपी में, सोने में आज भी आप खरीदारी करके ही चलिए, ये राय बन रही है इस वक्त और रुपी में बिकवाली करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। लेकिन आज IT स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि हमने देखा विप्रो के जो नंबर्स आए अनुमान से कमजोर ही थे और यहाँ पर गाइडेंस भी नहीं दी है, जो वायरस का संक्रमण इस वक्त चल रहा है गाइडेंस भी नहीं दी है और इसके अलावा आज TCS के नंबर्स भी आने वाले हैं, क्या अनुमान है ये हम आपको बता देते
हैं। आय की अगर बात करें तो यहाँ पर 1% की बढ़त देखने का अनुमान है। डॉलर रेवेन्यू में करीब 0.2% की गिरावट देखने को मिल सकती है डॉलर आय में। और मुनाफे की अगर बात करें तो यहाँ पर 4% की बढ़त देखने का अनुमान है। इसमें जो कॉन्स्टेंट करेंसी आय है उसमें 0.3% की बढ़त संभव है। पिछले तिमाही के जो मुकाबले इस बार जो डील क्लोजर हुई थी वहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है और मार्जिन और खर्च कम होने से थोड़ा बहुत सहारा इस बार मार्जिन को मिलता हुआ दिखाई देगा। इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि ग्राहकों की मांग पर मैनेजमेंट का क्या आउटलुक आ रहा है और वायरस को लेकर क्या किस तरह के कमेंट्स आते हैं कंपनी की तरफ से, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा देखना। विप्रो के नंबर्स को देखते हुए लग रहा है कि TCS के नंबर्स भी इन्हीं लाइंस पर कमज़ोर ही शायद इस वक्त देखने को मिल सकते हैं। नज़र होगी गाइडेंस पर और वायरस को लेकर क्या कॉमेंट्री आती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी TCS के नतीजों में। चलिए पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।